उर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, हस्त का अर्थ होता है हाथ, और उत्तान का अर्थ होता है खींचना। उर्ध्व हस्त उत्तान आसन, इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, पीठ गर्दन सीधी कर लेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को सामने जंघाओं के ऊपर रखेंगे और हथेलियां अंदर की ओर। इस अभ्यास में सांस भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इसके बाद छाती वाले हिस्से से पूरा शरीर को पीछे की ओर झुकाते रहेंगे, जिससे रीढ़ की हड्डी पूरी मुड़ जाए और सारा खिंचाव पेट पे, छाती पे, गले पे और कंधों पे आए। इस अभ्यास में सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जितनी देर तक पीछे रुके रहेंगे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। सांसों को नहीं रोक कर रखेंगे, केवल जब पीछे जाएंगे तब सांस को भरते रहेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस 2 से 3 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 15 से लेकर 40 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और शरीर को स्थिर करने की समय सीमा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसके अभ्यास के तुरंत बाद पाद हस्त आसन का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते समय सारे खिंचाव को अनुभव करेंगे, पेट पे, छाती पे, गले पे, कंधों पे और भुजाओं पे। आरंभ के कुछ दिनों में जब इसका अभ्यास करेंगे तो चक्कर आने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में तुरंत ही वापस आ जाएं और फिर दोबारा से इसका अभ्यास आरंभ करें। और आरंभ के कुछ दिनों में पीछे जाकर जब शरीर को रोक कर रखेंगे तो नाक से सांस लेने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, उस स्थिति में मुंह से सांस भरा जा सकता है, परंतु केवल नए अभ्यासियों के लिए या जिन लोगों ने अभी अभ्यास आरंभ किया है इस आसन का, उनके लिए। अब चर्चा करते हैं इस आसन से होने वाले लाभों के संदर्भ में। इसके अभ्यास से सारा खिंचाव पेट पे, छाती पे, गले पे, कंधों पे, भुजाओं पे और हाथों पे आता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मांसपेशियां और यह भीतर के अंग स्वस्थ सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। यह मांसपेशियां बलवान बनती हैं, ऊर्जावान बनती हैं और इनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है और यह मांसपेशियां लचीली बनती हैं। रीढ़ की हड्डी पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। रीढ़ की हड्डी में कठोरपन, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन न होना, अकड़न और कठोरपन अधिक होना, ऐसी समस्या में भी इसका अभ्यास लाभ करता है। इसका अभ्यास फेफड़ों के लिए भी लाभप्रद अभ्यास है। पीछे जाते हुए जब लंबा सांस भरा जाता है उस समय फेफड़ों का पूरा विस्तार हो पाता है, सांस भरने की और रोकने की क्षमता में वृद्धि होती है और फेफड़ों पर पूरा खिंचाव उत्पन्न हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़े अपना कार्य सहज रूप से कर पाते हैं और फेफड़ों का व्यायाम होता है। हृदय और हृदय की आसपास की रक्त वाहिकाएँ इसके अभ्यास से अपना कार्य सहज रूप से कर पाती हैं और हृदय तक रक्त के संचालन में सुधार होता है। अभ्यास करते समय कुछ सावधानियों को स्मरण में रखेंगे। पीठ, पेट और हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, शारीरिक कमजोरी होने पर, चक्कर अधिक आने की स्थिति में और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की गंभीर स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।